नमस्ते, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर नई दिल्ली से। तो हर बार मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ, और जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि मुझे लोक कथाएँ पसंद हैं, तो आज मैं आपके लिए ओडिशा से यानी कि उड़ीसा से एक लोक कथा लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। बहुत समय पुरानी बात है, उड़ीसा में घुमसुर राज्य में भंज वंश के एक राजा थे, और जो कि अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे अपने बच्चों की तरह। और उनके राज्य में कंध जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे। तो अक्सर राजा जो हैं अपने प्रजा का हाल लेने के लिए गांव देहात तक जाया करते थे, पता किया करते थे लोगों की क्या मुसीबतें हैं, क्या समस्याएँ हैं। तो एक बार कंध जाति के गांवों का उन्होंने दौरा करने की सोची। तो राजा निकले अपने पूरे सैन्य टब्बर के साथ, और चलते चलते वो पहुंचे कटरीमाला, जहां पे कंध जाति के लोग थे। थक गए तो एक घर के अहाते में बैठे और उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। अब पानी मांगा, अभी राजा चल के आया है तो पानी कौन नहीं पिलाना चाहेगा, पर जो पानी पीने को मिला वो साफ नहीं था। तो राजा को लगा कि भाई मेरी प्रजा के लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो राजा वापस लौट कर आए अपने राज्य में, अपने महल में, और उन्होंने ये आदेश दिया कि कटरामाला में एक पानी का तालाब लोगों के नहाने के लिए बनवाया जाए और एक कुआं खुदवाया जाए ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिले। ये होते हैं नेता, ये होते हैं लीडर। तो राजा के आदेश का पालन हुआ और कटरीमाला गांव में एक तालाब बनाया गया और एक कुआं खोदा गया। और यकीन मानिए कि तालाब का पानी इतना निश्चल, इतना सुंदर, साफ कि नीचे का बालू, नीचे का एक एक कंकर पत्थर साफ दिखाई देता था। और कुछ ही समय में उस तालाब में दो आदमियों की ऊंचाई के बराबर पानी भर गया, यानी कि 12 से 15 फुट तक का पानी गहरा तालाब बन गया वहाँ पर। लोग बहुत खुश हुए, कुएं का पानी भी बहुत मीठा। अब राजा के कानों तक ये खबर पहुँची कि कटरीमाला में जो तालाब बनवाया गया है उस तालाब में बहुत ही साफ निर्मल पानी है, इतना पानी कि जो चांदी की तरह चमचमाता है, और तालाब में जो कंकर पत्थर जो इतनी नीचे गहराई पर हैं वो भी साफ दिखाई देते हैं। तो राजा ने आदेश दिया कि उस तालाब में मछलियां छुड़वा दी जाएं। राजा को मछलियां देखना बहुत अच्छा लगता था। हुक्म की तामील हुई, और जब ऐसा हो गया तो राजा ने सोचा कि मुझे अब कटरीमाला गांव जाना चाहिए और वहां पर देखना चाहिए कि जो मैंने तालाब बनवाया है उसमें जो मछलियाँ छुड़वाई हैं तो सब कैसा है। तो राजा अपनी रानी के साथ कटरामाला के लिए निकले। अब जब चल ही रहे थे तो रानी की आंख फड़कने लगी, और रानी ने राजा से कहा, राजा जी मुझे लगता है कि कुछ अहित होने वाला है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम आज नहीं जाते, किसी और दिन चलते हैं। राजा ने कहा, नहीं, पूरा सैन्य बल हमारे साथ है, इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होगा, इन अंधविश्वासों में ना पड़ो तुम, चलो। रानी चली, राजा भी चला, पहुँचे कटरामाला। रानी अपनी पालकी से उतरी, तालाब के पास पहुँची तो देखते ही बहुत चक रह गई, क्योंकि पानी में जो मछलियाँ थीं वो सोने की तरह चमक रही थी, निर्मल पानी, साफ, उसमें सोने की मछलियाँ। रानी का मन ललचा गया, उसने सोचा अगर एक ही मछली उसे मिल जाए और वो उसे पकाए और उसे खाए तो क्या मज़ा आए। रानी ने तालाब में पैर रखा, दूसरा पैर रखा, थोड़ा सा आगे गई, और जैसे ही झुकी एक सोने से चमचमाती झकझक मछली को पकड़ने के लिए कि आकाशवाणी हुई, हे रानी, तुम मछली को मत पकड़ो, मछली एक निरीह जीव है, तुम इंसान हो, तुम एक दिन मर जाओगे, लेकिन कटरामाला तालाब की ये मछलियां एक दिन तुम्हारी कहानी कहेंगी, अमर हो जाओगे, मछली को मत पकड़ो। सब हैरान
डर गए, भयभीत हो गए, आकाशवाणी हुई थी। पर रानी के मन में मछली को पकड़ने का लोभ कुछ ज्यादा ही था। वो दो कदम और आगे बढ़ी और झुकी मछली को पकड़ने के लिए। आकाशवाणी दोबारा हुई, रानी तुमने बात नहीं मानी, अगर तुमने मछली पकड़ी तो तुम्हारा अहित होगा, तुम्हारा अमंगल होगा, ऐसा ना करो। रानी ने बात नहीं मानी, राजा का दिल बैठ गया। राजा ने भी रानी को रुका, रानी रुक जाओ, आकाशवाणी हो रही है, कुछ गलत कर रही हो, आओ वापस चलते हैं। रानी ने राजा को देखा, मुस्कुरा दी, अभी तो आप कह रहे थे कि अंधविश्वास में क्या रखा है, आप आकाशवाणी को मानते हैं? मैं तो नहीं मानती, मैं तो मछली पकड़ूंगी। रानी आगे बढ़ी, झुकी, अब मछली को पकड़ने ही वाली थी कि फिर से तीसरी बार, अंतिम बार आकाशवाणी हुई, रानी सुन लो, अहित होगा, मछली को मत पकड़ो। राजा ने रोका, आसपास सैनिक खड़े थे, गांव वालों ने, सबने रोका कि रानी मत जाओ आगे, मछली को मत पकड़ो। पर आपको क्या लगता है, रानी ने आकाशवाणी सुनी? रानी ने राजा की बात मानी, प्रजा की बात मानी? मन की मालिक थी, झुकी और जैसे ही उसके हाथ में सोने की मछली आई, रानी स्वयं मछली बन गई। इंसान योनि से बाहर आकर वो मछली बन गई और पानी के अंदर डूब गई, तैर गई। राजा का दिल धक से बैठ गया, वो रोना चाहता था पर रो ना सका। और रानी की मछली पकड़ने की ये घटना एक कहानी बन गई। भंज वंश के वो राजा घुमसर में अभी नहीं है, पर कटरामाला में वो तालाब अभी भी है। और इस तालाब का पानी इतना झक निर्मल साफ नहीं है, पर मीठा बहुत है। उस तालाब के अंदर आज भी मछलियां हैं, पर वो मछलियां सोने के जैसे चमकती नहीं हैं। पर इस कटरामाला गांव के इस तालाब में मछली पकड़ना मना है, लोग मछली नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस तालाब की मछलियां पवित्र हैं और हो सकता है वो रानी अभी भी मछली बनकर इसी तालाब में कहीं भीतर है। तो रानी के सम्मान में, शोक में, राजा के सम्मान में कटरामाला गांव में इस तालाब से मछली पकड़ना प्रतिबंधित है। तो ये थी उड़ीसा की एक लोक कथा। आप इसे किंवदंती कह लें, आप उसे अफवाह कह लें, पर कहानी तो है और जीव के प्रति प्रेम भी बताती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आज की हमारी ये बैठक यहीं तक, पर कहानी का सिलसिला चलता आ रहा है और चलता रहेगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले मंगलवार शाम 5:30 बजे गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज पर, और यही कहानी स्टोरी घर के फेसबुक पेज पर भी रहेगी। आपको पसंद आई हो तो आगे साझा ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टोरी वाली जयश्री की तरफ से बाय।